अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। जनाब, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए कनाडा मूव होना जो है उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर आज थोड़ी सी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की जो नेशनल हैं उनकी लिस्ट उमूमन नहीं है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उसका ज़रा ओवरव्यू देखते हैं सबसे पहले कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसमें अप्लाई किया जा सकता है। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन के आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, तमाम चीज़ों पे हम बहुत क्विक बहस करेंगे, बहुत तफसील में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग जो बेचारे जो है 12th ग्रेड तक यानी कि 12वीं तक या FSC तक या FSC तक नहीं पढ़ा है उन्होंने, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो लोग जिन्होंने FSC 12वीं तक पढ़ा भी है और इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं आती, पढ़ तो लिया है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश ज़रूर सीख लेना चाहिए, बोलना भी लिखना भी वो तमाम चीज़ें। तो चलिए ज़रा इसको हम देखते हैं तफसील के साथ। तो जनाब, सबसे पहला जो है एक्सप्रेस एंट्री, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये उन लोगों के लिए जैसे कि हमने जिक्र किया कि जिनकी तालीम भी है, जिनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 18 से 35 साल के दरमियान है, जिनको इंग्लिश बोलना लिखना भी आता है, जो कि आइल्स भी लिख सकते हैं, जो कि इंग्लिश बोल भी सकते हैं लिख सकते हैं, इसके अलावा उनकी तालीम कम अज़ कम 12वीं जमात है। ये प्रोग्राम खसूसन उन लोगों के लिए है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग पाकिस्तान से रोज़ आ रहे हैं और बहुत आते हैं, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं। तो ये एक बड़ा ही जनाब सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सबसे पहले मैंने जैसे पहले जैसे जैसे कि पहले ही मैंने वीडियोज़ में जिक्र किया है कि ब्रेन ड्रेन मतलब दिमाग का जो सैलाब यानी ब्रेन का जो ड्रेन है, वो एक टर्म यूज़ किया जाता है कि जितने भी बिग ब्रेन्स हैं, पढ़े लिखे ब्रेन्स हैं, अमेरिका और कनाडा, खुसूसन कनाडा ये चाहता है कि वो लोग वहाँ पर हमारे वहाँ से मूव होकर, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और जनाब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंगापुर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो चाहे वो इंडोनेशिया ही क्यों ना हो, मलेशिया हो, कोई भी कंट्री हो, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ जाए ताकि इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों जो कि मुल्क की तरक्की में जो है साजगार साबित हों। और क्राइम्स की अभी कनाडा में क्राइम्स रेट काफ़ी कम है, अब काफ़ी बढ़ रहे हैं, बहरहाल 1 से 2 साल के दरमियान काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन उससे पहले क्राइम रेट ना होने के बराबर थे, लेकिन अभी भी कम है, लेकिन अब होने शुरू हो गए हैं। उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, मैं मज़ीद भी बनाऊंगा। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप आइट लिख सकते हैं, आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, आप 18 से 40 या 35 के दरमियान हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट दैट। इसके बाद जो है फिर हम आते हैं दूसरा प्रोग्राम जो है उसका नाम है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अच्छा, जब भी जैसे कह रहे हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जिसको PNP भी कहते हैं, ये प्रोग्राम जो है हर सूबे का, जैसे मैंने कहा 13 सूबे हैं यहाँ पे, हर सूबे की जो है वो अपने प्रोग्राम है। अगर आप PNP लिखेंगे इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, आपको पूरी तफसीलात मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि तफसील बहुत ज़्यादा मैं जाने में इंटरेस्टेड या उसको डिस्क्राइब करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज, लेकिन एक PNP प्रोग्राम होता है जिसकी तफसीलात आप ज़रूर ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें अगर आप देखें कि उसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि 12 ग्रेड तो चाहिए या 12 से कम भी काम चल जाएगा, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। लेबर शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो है उन सूबों ने अखज़ किए हैं ताकि बाहर से लेबर बुलाई जाए, क्योंकि लेबर कॉस्ट कनाडा में बहुत ज़्यादा है, लेबर कम है। इसीलिए ऑल ओवर दी कनाडा जितने भी प्रोविंसेस हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस उसके ऊपर बनाई हैं, आप मेरे चैनल में जाके देखिएगा। आप है न्यू ब्रंसविक का जो प्रोग्राम है, इसी तरह से नोवा स्कोशिया का प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोविंसेस में ये प्रोग्राम हैं। आप जा कर के आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, जैसे कि हमेशा ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा लिखेंगे, ढूंढेंगे, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बना रखी हैं, मैंने ये बना रखी हैं, लेकिन मालूमात आपको इंटरनेट से, गूगल से बहुत ज़्यादा मिलेंगी। उसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, बोलना लिखना, अगर आपको ये तमाम चीज़ें आती हैं तो ज़रूर रिसर्च करें, इंशाल्लाह ताला आप इसके अंदर जो है इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इंशाल्लाह। तीसरा जो प्रोग्राम है वो फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, कि आपकी कोई इमीडिएट फैमिली यहाँ पे रहती है,
जो कि कैनेडियन सिटीज़न हैं, वो आपके स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन वो इमीडिएट फैमिली कौन है? वो आपकी स्पाउस हैं, आपके शौहर या आपकी वाइफ, आपके बच्चे, या ये दो मेन कैटेगरीज है जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपका भाई आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। आपका भाई जब आप अप्लाई करेंगे आपको ओनली 5 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपके बच्चे यहाँ रहते हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपकी वाइफ यहाँ पे है वो आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में आप आकर के एज अ PR आप आएंगे, परमानेंट रेजिडेंट, और जो है तकरीबन 3 साल के अरसे में, अगर आप 4 साल के अरसे में 3 साल वहाँ स्टे करते हैं कनाडा में, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद जो आखिरी है वो है स्टडी इन कनाडा। कनाडा में स्टडी करने के बड़े मौके हैं यहाँ पे। स्टडी इन कनाडा से क्या हो जाता है कि आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। अगर आप कनाडा में आते हैं स्टडी के ऊपर तो वैसे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसके बड़े फ़वाद हैं, इसकी तफसील थोड़ी सी देखते हैं। तो जनाब, आप जब स्टडी करने आते हैं कनाडा में, जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ जॉब भी कर सकते हैं, पहले 20 आवर्स अलाउ था, 40 आवर्स अलाउ कर दिया पर वीक। इसके साथ साथ जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके साथ ही आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए। जैसे कि मैंने कहा, एक दफ़ा PR हो जाते हैं तो आपकी वो तमाम सहूलियात मिलनी शुरू हो जाती हैं जो कि एक परमानेंट रेजिडेंट को यहाँ पर होना चाहिए। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर जो है तमाम के तमाम इमिग्रेशन के जो सिस्टम ये घूम रहा होता है। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है, इसके अंदर ही वो चीज़ें घूम रही होती हैं। कि बाज़ औक़ात ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लोगों को समझने के लिए कि यार ये कभी कोई नाम आता है, कभी कोई नाम आता है, कभी कोई नाम। आप ये 4 कैटेगरीज़ को जान लें अच्छी तरह से, इसको हिफ्ज़ कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। विद इन दिस 4 कैटेगरीज़ आपको तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी, मुख्तलिफ नए प्रोग्राम्स आते रहते हैं। मैंने एक और चैनल है वो इंग्लिश में है सारा का सारा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर और भी अच्छी मालूमात है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है उस चैनल का, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए, उसमें बहुत अच्छी मालूमात है, बहुत अच्छी वीडियोज़ उसके ऊपर भी हैं। वो मैंने ख़ास तौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑडियंस उनको मैंने उस पर रखा हुआ है। ये जो मेरा चैनल है खसूसन इसको जो है ओवर 90% पाकिस्तान से लोग देखते हैं, फिर कुछ लोग वहाँ से इंडिया से देख रहे होते हैं, कुछ लोग कनाडा से या पाकिस्तान कनाडा और अमेरिका से और दुनिया के तकरीबन 25 कंट्री से देख रहे हैं, लेकिन ओवर 90% पाकिस्तान से देख रहे हैं। जो दूसरा चैनल मैंने कहा वो इंग्लिश में है, आपको इंग्लिश सीखने की भी ज़रूरत है, आपको समझने की भी ज़रूरत है, तो ज़रूर उसको जाके देखें सुने, उसमें इनफैक्ट और ज़्यादा मालूमात मौजूद है। वो बिल्कुल AI मैंने यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया है, जिसके ज़रिए तमाम उसके अंदर वॉइस और जहाँ पर नरेशन वगैरह जितने भी है सब उसके अंदर मौजूद है, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक मालूमात है। तो नीचे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर उसको जाके उन वीडियोस से आप बहुत अच्छी अच्छी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोज़ हैं, बहुत से में लिंक भी दे रखे हैं मैंने, ताकि आप वहाँ जाके वो चीज़ें निकाल लें। उसमें जो है ट्वाइस अ वीक अब मैं जो है उसको मैंने अभी 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, हफ्ते में 2 दिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं उसमें वीडियोज़ डालता रहूँगा, क्योंकि वहाँ पर खासा लोगों की जो है कॉमेंट्स अब आने लगे हैं, उसमें व्यूज़ भी हैं और अच्छे खासे लोग बड़ी तेज़ी के साथ सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल नया चैनल, तो मैं आपको कहूँगा आप ज़रूर उसको जाके देखें, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ना पसंद आए कोई बात नहीं छोड़ दीजिएगा। तो आपको जैसा मैंने कहा कि ये 4 मेन कैटेगरीज़ है जिसके अंदर इमिग्रेशन का पूरा जो है मामला घूम रहा होता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें अगर आप आने में इंटरेस्टेड हैं। अपना काम, अपना होमवर्क पूरा का पूरा रखें। जहाँ तक बात है इमिग्रेशन कंसल्टेंट की, अभी कई लोगों से मेरी बात हुई है जो कुछ लोग कनाडा विजिट पे आ भी गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद उन लोगों को, उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है यहाँ पे। लेकिन इमिग्रेशन कंसल्टेंट का जैसे मैंने जिक्र किया, मैंने 3-4 लोगों का दिया है नंबर, लेकिन इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको पहले से बता दूँ। एक और केस में एक $60,000 मांगा, दूसरे ने जो है तकरीबन $40,000 मांगे हैं। तब वो काम आपका कर देंगे, मैं ये समझता हूँ वो लोग मार्केट में एक ज़माने से वो काम कर रहे हैं, वो भागेंगे नहीं, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। क्या $40,000-$50,000 आपके लिए अफोर्डेबिलिटी है? आई डोंट नो। तो इस अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे हों जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो आना चाहते हैं, बिल्कुल जनाब कीजिए, वो आपको लेकर आएंगे, सारे काम आपके करेंगे। पैसे की बात है जहाँ, तो पैसा तो अपनी जगह पे है, पैसा तो लग नहीं है। तो बस जनाब ये तमाम चीज़ें आपको बतानी थी, मैंने कोशिश की शॉर्ट वीडियो बनाओ, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो और ताकत दी, हिम्मत दी, इंशाल्लाह ताला फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।